अच्छा, एरे को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि एक अदद यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं एरे के नाम से, 7.ES6 एरे, ठीक है। और इस एरे के अंदर index.html ठीक है, सो ये एरे डेटा टाइप या एरे वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है जी, स्क्रिप्ट लेट, इसको भी लेट करके बनाएंगे हम। अच्छा, और मैंने कहा कि जी माई नंबर्स इक्वल्स टू 5, 4, 3, सही है। अच्छा जी, ये बन गया मेरे पास एरे टाइप का वेरिएबल बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया? एरे टाइप का वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ आपने और नोट करनी है कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाता इस तरह करके, लेट माई नम वन इक्वल्स टू 5, ठीक है, और फिर मैं कहता कि यार माई नम टू इक्वल्स टू 4 और माई नम थ्री इक्वल्स टू 3, सही है। तो ये मैंने तीन अलग अलग वेरिएबल बनाए हैं और मैंने ये क्या कर दिया, एक ही में तीनों को बना दिया। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम है। मेमोरी में ये भी उतनी जगह लेगा और ये भी उतनी जगह लेगा, दोनों मेमोरी में एक जितनी ही जगह लेंगे। हाँ, लेकिन क्या होता है कि हम प्रेफर करते हैं कि हम इसको एरे में बनाएं, क्योंकि एरे में हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाती, लूज़ कर जाता हूँ मैं वो फैसिलिटी, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे इस तरह की कोई सिचुएशन मिले तो मैं इसको एरे में बना लूँ, ठीक है। अच्छा, एरे में वो क्या फैसिलिटी मिलती है? वो ये मिलती है कि इस पर मैं आइट्रेट कर पाता हूँ, लूप थ्रो कर पाता हूँ। अब वो क्या चीज़ होती है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी फैसिलिटी होती है एरे के ऊपर कि हम एरे को प्रेफर करते हैं। वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे? हम आउटलाइन में अपने जो लूप स्टेटमेंट है ना, जब ये डिस्कस होगा तो यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि एरे जो है वो लूप के लिए बना है और लूप एरे के लिए बना है, और ये दोनों एक दूसरे के बगैर किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा है लेकिन एरे से, तो अभी ज़रा इसको सिंपल रखते हैं। तो वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो हमने कहा कि जी लेट माई नंबर्स इक्वल्स टू, और कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज़ किया है, और दरमियान में 3 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। अच्छा, सबसे पहले तो नाम में इसके एक नेमिंग कन्वेंशन है, वो क्या है भाई? एक तो कैमल केस में लिखा भाई है, कैमल केस, तो चलो हर वेरिएबल का नाम ही हम कोशिश करते हैं हम कैमल केस में लिखें, ठीक है। साथ में इसमें लगा हुआ है एस, तो ये कन्वेंशन है कि जो एरे डेटा टाइप होता है, यानी एरे टाइप का जो वेरिएबल होता है, उनके जो नाम होते हैं उसमें हम एस का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम हम लास्ट में एस लगा देते हैं। अच्छा, तो किसी भी वेरिएबल के नाम में एस लगा हुआ होगा तो बाई डिफ़ॉल्ट आपने ये समझना है कि ये एरे टाइप का वेरिएबल है। अच्छा, लिहाजा में क्या पता लगा कि जो वेरिएबल एरे टाइप का नहीं है उसमें एस लगाने से आपने अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि दूसरा डिवेलपर उसको मिसअंडरस्टूड कर सकता है कि यार ये एस लगा हुआ है कहीं एरे तो नहीं है ये। तो जो इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे इज ओपन मैंने लिखा था, तो इज ओपन में आपने एस नहीं लगाना फिर, जो बूलियन हम इससे पहले पढ़ा था हमने, तो उसमें इज़ ओपन मैंने लिखा था, तो उसमें एस नहीं लगाएंगे आप। एस लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ ये हो जाएगी कि कोड तो सही चलेगा लेकिन जो फेलो डेवलपर है आपका वो कन्फ्यूज़ हो सकता है उस एस की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जो इज़ ओपन में मैंने इज़ लगाया था, वो इज़ को देखते ही पता लग जाता है ये बूलियन है, तो इसका मतलब है वो सिर्फ बूलियन के साथ ही इज़ लगाना है इज़ ओपन, किसी और के साथ लगाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया कि जो भी एरे टाइप का वेरिएबल होगा उसका जो हम नाम रखते हैं उसके नाम में हम जानबूझ के एस लगाते हैं, ठीक है, और ये कन्वेंशन है, ये डेवलपर्स ने आपस में ये तय किया हुआ है कि इस तरह से हम करेंगे उसको, ठीक है। तो इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो तमाम लोगों के लिए आसानी होगी। और उसके बाद हमने कहा है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा सेपरेटेड, 3 वैल्यूज़ हैं, ये एक एरे है, ठीक है। अच्छा, जो सिंगल नंबर वेरिएबल था, जो जो हमने नंबर वेरिएबल पहले पढ़ा था, उसमें हम एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर करवाते थे ना, तो मैंने ये कहा था कि यार आप इसको कंसिडर करें कि दिस इज़ अ बॉक्स, इसको एक बॉक्स की तरह आप समझें वेरिएबल को, और इस बॉक्स में एक वक्त में कोई एक नंबर हो सकता है। तो आप इस एरे को आप एक बॉक्स नहीं समझें बल्कि आप इसको समझें अलमारी है ये, जिसमें 3 बॉक्सेस हैं, 1, 2 और 3 बॉक्स हैं,
और एक बॉक्स में एक वक्त में क्या होता है, एक वैल्यू कोई स्टोर होती है। अच्छा, तो मैंने कहा यार इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, चलो बनाना तो सीख लिया। मैंने कहा कि यार माई नंबर्स को ना आप कर दो प्रिंट, ठीक है। माई नंबर्स को मैंने प्रिंट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा जैसा ये है। देखते हैं किस तरह से ये प्रिंट होता है। रिफ्रेश किया मैंने, अच्छा ये पुराना चल रहा है, इसको मैं कॉपी पास्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, एरे वेरिएबल, तो ये तीनों इस तरह से प्रिंट हो गया। अच्छा आप नोट करें, एक ख़ास अंदाज में प्रिंट हुआ है, ये तीनों वैल्यू तो वही है लेकिन एक ख़ास अंदाज में हुई है। नॉर्मल नंबर इस तरह प्रिंट नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये एक 0, 1 और 2, ये तीन अलमारी के तीन खाने हैं जिसमें ये तीन वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा, तो ये मैंने इसको पूरा प्रिंट करवा दिया। अब अगर मैंने इसको करवाना है, अगर इंडिविजुअली, मैं चाहता हूँ नहीं जी मुझे पूरा नहीं एक्सेस करना, मुझे सिर्फ ये 4 चाहिए, मुझे सिर्फ ये 4 अगर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, नंबर्स के आगे 4 कैसे लगा के प्रिंट करूँगा, मैं लिखूँगा इंडेक्स 1। अच्छा, तो क्या मतलब है इसका, जैसे कि मैंने कहा कि ये अलमारी है एक तरह का, तो इसका सीरियल नंबर है, पहले वाले का हमेशा 0 होगा, दूसरे वाले का हमेशा 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, 4, तो ज़ीरो बेस इंडेक्स इसको कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि एरे का इंडेक्स 0। अभी इस वक्त एरे के इंडेक्स 0 पे 5 है, एरे के इंडेक्स 1 पे 4 है, एरे के इंडेक्स 2 पे 3 है। तो मैंने कहा कि यार इंडेक्स 0 सबसे पहले तो प्रिंट कराओ, तो इंडेक्स 0 पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5। अच्छा आ जाते हैं जी हम 5, रिफ्रेश, तो ये 5 आ गया। अच्छा फिर मैंने कहा चलो इसके नीचे अब आप आओ और इंडेक्स 1 को भी प्रिंट करवा दो, 1 पे देखते हैं क्या आता है, 4 आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैं करा देता हूँ 2, ठीक है, 2 पे जो है 3 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 5, 4 और 3, ये तीनों नंबर्स मेरे पास प्रिंट हो गए। तो हमने इस पॉइंट पे क्या सीख लिया, एक तो हमने एरे वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया कि एरे वेरिएबल बनता कैसे, उसका सिंटैक्स हमने सीखा, उसका ग्रामर हमने सीखी कि किस तरह से लिखा जाता है। उसके अलावा हमने इस एरे को प्रिंट करना भी सीख लिया, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली दोनों तरीक़ों से। अच्छा अब ये बात समझ लें कि ये जो कॉमा सेपरेटेड में वैल्यूज़ डाल रहा हूँ ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, बस इसमें कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। मैंने इसको मज़ीद वैल्यूज़ दे दी, हालांकि प्रिंट मैंने सिर्फ 3 को करवाया लेकिन वो भी अपनी जगह मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, मिसाल के तौर पर इस 2 का इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा इसका इंडेक्स। तो अगर मैं यहाँ पे 6 करके प्रिंट करवाता हूँ तो क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, ये 2 प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पे 2 लास्ट में प्रिंट हो रहा है मेरे पास, ठीक है जी। तो मैंने क्या कर लिया, ना सिर्फ मैंने एरे को कंस्ट्रक्ट कर लिया बल्कि उसको इंडिविजुअली एक्सेस भी कर लिया, और हमने ये भी देख लिया कि इस एरे का जो साइज़ है इसकी कोई लिमिट नहीं है बाई डिफ़ॉल्ट, ये अनलिमिटेड है। हाँ, लेकिन एक साइज़ की एक लिमिट ज़रूर होगी, क्योंकि हमने शुरू में बात डिस्कस कर ली थी कि वेरिएबल जितने भी हम बनाते हैं वो रैम मेमोरी में जगह लेते हैं। तो इसका मतलब है कि एक अगर आपके पास 4 GB रैम अवेलेबल है, तो अगर आपने इतना बड़ा एरे बना दिया जो 4 GB से भी एक्सीड कर गया, तो फिर आपका जो है ना वो आपकी दैट वुड बी अ लिमिट, है ना। लेकिन इतना आसान नहीं है कि 4 GB रैम का आप एक एरे बना दें, ठीक है। मतलब 4 GB रैम के अंदर अगर आप करोड़ों और अरबों इंडेक्सेस का भी आप एरे बना दें ना, तो वो भी चंद 100 MB बनता है, 4 GB वो भी नहीं बनता, ठीक है। तो इट वुड बी इम्पॉसिबल कि अगर आप जो है ना एक एरे से उसको आप मेमोरी को ओवरफ्लो करवा पाएँ। अच्छा, बावजूद इसके हम क्या करते हैं, हम इसके साइज़ में मोहतात रहते हैं, जितना हमें ज़रूरत होती है हम उतना ही बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाते। बावजूद इसके कि हमारे पास 4 GB, 8 GB रैम अवेलेबल होती है फ्रंट एंड पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अब्यूज़ करेंगे या हम उस स्टोरेज को हम ज़ाया करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर पर सिर्फ हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा है, उस कंप्यूटर पर और भी कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा क्या होगा कि उन अगर मेरा मेरा जो प्रोग्राम है वो सारे रैम अगर ले लेगा तो बाकियों को क्या मिलेगा फिर, तो ओवरऑल सिस्टम पूरा स्लो होगा, ठीक है। और मेरे सॉफ्टवेयर की भी रेपुटेशन का भी मसला है, मिसाल के तौर पर मेरा सॉफ्टवेयर जब चलता है तो पूरा सारा स्लो हो जाता है, अगर तो इसका मतलब ये है कि वो जो भी यूज़र होगा मेरा सॉफ्टवेयर से भागेगा वो, ठीक है। तो मेरे सॉफ्टवेयर में क्या होना चाहिए कि मुझे जितने वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत है मैं उतने ही बनाता हूँ, ना उससे ज़्यादा बनाता हूँ ना उससे कम, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ऐप क्या रहे, फ्लुएंट रहे, चाहे वो किसी लो एंड कंप्यूटर पे चल रही हो या किसी हाई एंड कंप्यूटर पे चल रही हो, मेरी ऐप फंक्शनल रहे। ऐसा ना हो कि मेरी ऐप किसी बिल्कुल कम रैम वाले पे चली तो बिल्कुल ही स्टक हो जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। तो मेरी ऐप फंक्शनल रहे तमाम डिवाइसेस के ऊपर, इस चीज़ को देखते हुए मैं क्या करूँगा, जितनी रैम चाहिए मुझे उतनी ही इस्तेमाल करूँगा, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स मैं नहीं बनाऊँगा जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है,
अच्छा ये हो गया जी। तो हमने एरे को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, एरे को इंडिविजुअली एक्सेस करना सीख लिया, अब इसको हम मॉडिफाई करना सीख लेते हैं। अब अगर ये 5 जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे मुझे चाहिए 6, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? मैंने कहा कि माई नंबर्स का इंडेक्स 0, ठीक है, इक्वल्स टू 6 कर दिया मैंने। तो अब क्या होगा, ये 5 यहाँ शुरू में तो 5 था, लेकिन अगेन जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये 6 बन चुका होगा, 6 बन चुका होगा ये, ठीक है। पहले 3 प्रिंट्स के अंदर देखो पहला 5 था, दूसरे 3 प्रिंट्स में पहला 6 हो चुका, ठीक हो गया। अच्छा, और अगर मैं क्या करता हूँ कि मैंने कहा 0 इंडेक्स को, चलो ठीक हो गया, 1 इंडेक्स को भी मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, इस 4 को मैं क्या करना चाहता हूँ, चेंज करके अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूँ तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि एरे के अंदर आई एम नॉट लिमिटेड टू जस्ट नंबर्स, एरे के अंदर मैं स्ट्रिंग रख सकता हूँ, ठीक है। मैंने सेकंड पे आके मैंने बोला कि यार बस, ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने बोल दिया कि ट्रू, अभी हमने बूलियन पढ़ा है। तो इस एरे के इंडेक्सेस में ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नंबर रख सकता हूँ, मैं नंबर भी रख सकता हूँ, मैं स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, मैं बूलियन भी रख सकता हूँ। जी हाँ, रख सकता हूँ मैं। यहाँ पे तुम कह रहे हो कि कॉन्स्ट करके हम ऐसे कर दें ये CONST पाए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, सही है, ये मैंने एक कॉन्स्टेंट बना दिया। तो मैं तुम कह रहे हो यहाँ पे ये रख दें, रख सकते हैं बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे हम नंबर लिटरल लिख सकते हैं वहाँ वहाँ पे हम नंबर वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ये हमने देख लिया था ना। तो यहाँ पे जब मैं नंबर लिटरल लिख पा रहा हूँ इसका मतलब है मैं नंबर वेरिएबल भी लिख पाऊँगा यहाँ, ठीक है। अब चाहे वो कॉन्स्ट हो चाहे वो लेट हो कोई सा भी हो। कौन सा स्ट्रिंग बना हुआ ये टू? एरे बना हुआ है ना सर। हाँ, मैं चाहूँगा अगर मैं इंडेक्स 0 पे कांस्टेंट वेरिएबल अपेंड करना चाहता हूँ तो वो किस तरह होगा? अच्छा, तुम कह रहे हो कि यहाँ पे ये इसमें 3 इंडेक्सेस हैं टोटल इस वक्त, अब एक चौथी चौथी वैल्यू तुम इसमें ऐड करना चाह रहे हो, वो कांस्टेंट भी हो। अच्छा, एरे कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, एरे हमेशा जो चेंजेबल होगा, ठीक है। एरे की किसी इंडेक्स को मैं फिक्स नहीं कर सकता कि ये चेंज ना हो सके, ठीक है। इवन अगर मैं इसको कांस्टेंट भी बनाता हूँ, अगर इवन इसको मैं कांस्टेंट भी बनाता हूँ तो भी वो वैल्यूज़ को स्टोर करने से रोकेगा नहीं, ये पूरे के पूरे नंबर को रीअसाइन करने से रोकेगा, क्योंकि रीअसाइनमेंट रोकता है। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि यार नंबर का 0 इंडेक्स जाके 6 कर दूँ तो ये अलाउ कर देगा मुझे, कॉन्स्टेंट होने के बावजूद अलाउ कर देगा ये, ठीक है। अब ये हम डिटेल में उस वक्त देखेंगे जब हम ये पढ़ेंगे कि रैम मेमोरी में वेरिएबल्स किस तरह से स्टोर होते हैं, जब हम ये बात डिस्कस करेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा कि यार वेरिएबल जो है, जो जो एरे टाइप का वेरिएबल है वो कॉन्स्टेंट होने के बावजूद भी अपनी वैल्यूज़ क्यों चेंज करना अलाउ कर देता है, हमें ये बात पता लग जाएगी, ठीक है जी। तो हमने इस पॉइंट पर क्या क्या देख लिया कि जी एक एरे होगा, उस एरे के अंदर क्या हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और बूलियन हो सकता है। इवन उसके एक इंडेक्स के ऊपर एक दूसरा एरे भी हो सकता है, ठीक है, एक दूसरा एरे भी हो सकता है। वेल, लेकिन अभी अभी इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी टू कीप इट सिंपल वी आर नॉट पुटिंग एनी मोर एरेज, अगर क्योंकि एरे के अंदर एक एरे होता है दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड एरे, तो हम नेस्टेड एरे से अभी फ़िलहाल दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक इंशाल्लाह दोबारा खुलेगा जब हम लूप स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, तो ये टॉपिक दोबारा खुलेगा, ये एरे को हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, तो अभी ज़रा इसको सिंपल रखना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो एक एरे हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसके अंदर हमने कुछ अलग अलग वैल्यूज़ डाल दी हैं, उसको अलग अलग एक्सेस कर लिया, उसको मॉडिफाई करके देख लिया, और मॉडिफाई करने के बाद उसको दोबारा से प्रिंट करवा लिया, ठीक है। यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया क्या हुआ ये? अच्छा, फिर इसी तरह एरे के ना कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है, एरे के मेथड्स। अच्छा, इन दोनों को मैं हटा देता हूँ ऐसे भी। एरे के मेथड्स होते हैं डेट इज़ कॉल्ड, एक होता है पुश, माई नंबर्स डॉट पुश, ठीक है। माई नंबर्स डॉट पुश क्या करता है कि एरे में इस वक्त 3 आइटम मौजूद हैं, तो 3 आइटम के बाद एक चौथा ऐड कर देता है लास्ट में। तो मैंने कहा पुश 56, फिर मैंने एक और पुश का, मैंने कहा पुश ए बी सी, ठीक है।
पुश 56 और एबीसी, तो यहाँ पे तीन ऑलरेडी मौजूद थे और ये दोनों पुश चलने के बाद क्या होगा, पाँच हो जाएगा, ठीक है, पाँच उसमें आइटम्स हो जाएंगे। अच्छा प्रिंट स्टिल मैंने लेकिन तीन को ही करवाया, पाँच को नहीं करवाया। अच्छा रिफ्रेश करूंगा तो ये तीन ही प्रिंट हुए हैं, इधर भी और इधर भी, पाँच चौथा पाँचवा मैंने प्रिंट ही नहीं करवाया, लेकिन हो ज़रूर गया वो। तो मैं क्या करता हूँ, चौथे और पाँचवें को भी यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, सही है, एक दो तीन, शुरू में तीन है और उसके बाद पाँच है वैल्यूज़, ठीक है। तो इसमें 56 और ABC पुश हो चुका है। अच्छा कौन मुझे ये बताएगा कि इस पॉइंट पे तो इसमें तीन इंडेक्सेस है ना, चौथा तो नहीं है और पांचवा वो बाद में ऐड हुआ है, अगर मैं यहीं पे इसको तीसरे को अगर एक्सेस करूँ, तीसरे को और चौथे को, एक ऐसे इंडेक्स को मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ जो मेरे एरे में मौजूद ही नहीं है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अनडिफाइंड मिलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। तो ये पहला वाला पाँच कंसोल ये आ गया और उसके बाद वाला पाँच कंसोल ये आ गया, ठीक है। अगर मैं कोई भी ऐसा इंडेक्स लिखता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ 500, ठीक है, तो 500 इंडेक्स मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, वो खाली है, ठीक है। अलमारी तो जैसे मैंने अलमारी की मिसाल दी ना कि सहरे को आप अलमारी समझें, तो अलमारी में तो तीन चार खाने होते हैं, बहुत ज़्यादा 10 खाने होंगे बस, है ना, लेकिन इसके अंदर खानों की कोई लिमिट नहीं है, 500 खाने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर कहता हूँ कि ना इंडेक्स नंबर 500 पे जाओ और वहाँ पे बता दो कि क्या है, तो ये मुझे बता देगा, इसको कोई मसला नहीं है, ये बोलेगा अनडिफाइन है और कुछ नहीं है, सही हो गया। अच्छा तो इसी तरह एक पुश करके हमने देखा। अच्छा पुश के अलावा हमारे पास क्या है, माई नंबर्स डॉट पॉप करके भी एक मेथड है। पॉप क्या करता है, पुश लास्ट में ऐड करता है, पॉप जो है वो लास्ट से एक रिमूव कर देता है। तो मैं अगर दो दफ़ा पॉप कॉल करता हूँ ना, तो ये दोनों आइटम जो ऐड हुए थे दोनों खुद ही रिमूव हो जाएंगे, यानी मैंने पुश करते ही साथ साथ उसको पॉप भी कर दिया। वापस आकर मैं देखूंगा क्या होगा कि वो पॉप होने की वजह से ख़त्म हो गया था, तो अनडिफाइन आ गया, ठीक है। तो हमने इसके मेथड देख लिए पुश और पॉप। अच्छा इसी तरह एरे के बहुत सारे और भी मेथड्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पुश जो है वो हमेशा लास्ट में ऐड करेगा। अच्छा अब आपका असल में सवाल ये है कि क्या मैं दरमियान में भी कोई चीज़ ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, आपका सवाल ये है एक्चुअली, या मैं शुरू में ऐड करना चाहूँ, क्योंकि इससे तो मैं सिर्फ लास्ट में ऐड कर पा रहा हूँ, अगर मुझे दरमियान में या शुरू में कोई चीज़ ऐड करनी है तो क्या आया कि उसके लिए भी कोई मेथड है या नहीं है। जी हाँ उसके लिए मेथड मौजूद है, ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। अच्छा मैं गया मोज़िला के डॉक्यूमेंट में, ठीक है, एरे में जो भी चीज़ पॉसिबल कुछ हो सकती है ना वो यहाँ पर लिखी हुई है इन्होंने। अच्छा तो क्या कह रहा है जी, एरे इज़ द ऑब्जेक्ट विद एन एरे, और पता नहीं क्या इसने मुश्किल सी बात, तो आप ये पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। एक तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इस एरे के जो जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं वो सारे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं, चलते जाएंगे अब नीचे तो कहीं ना कहीं ये मेथड पे, ये सारे के सारे वो मेथड्स हैं जो एरे के ऊपर लगाए जा सकते हैं, ठीक है। हमने अभी जो मेथड लगाकर देखा है वो इसमें देख लेते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमने पुश लगाया था ना, पुश लिखते हैं, हाँ ये आ गया पुश, ठीक है पुश आ गया, ये पुश साइड पे भी आ रहा है। तो इसने पुश की ना, यहाँ पे पूरी एग्जांपल बना के दिखाई है, इसने कहा कि अच्छा यार पुश में आप क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट भी दे सकते हैं और कॉमा सेपरेटेड करके दो तीन चार जितनी चीज़ देंगे सब पुश हो जाएगा, ठीक है। हमने तो एक दे के देखा था, इसने डिटेल बता दी। अच्छा आ जाओ भाई, उसके अलावा यहाँ पे पॉप आ रहा होगा एक, अच्छा देखो एक सॉर्ट आ रहा है ना, सॉर्ट। अब सॉर्ट को किस तरह चलाते हैं, सॉर्ट को इस तरह चलाते हैं कि जी ये एरे है मंथ्स के नाम से और इस पर डॉट करके इसने सॉर्ट चलाया तो ये मंथ हो गया, सॉर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा सॉर्ट कैसे हुआ, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, जो जो अल्फ़ाबेट पहले आ, जैसे डी पहले आता था तो दिसंबर पहले, एफ़ बाद में आता है, ठीक है, फिर जे फिर एम, ये अल्फ़ाबेटिकली। अच्छा इसी तरह अगर नंबर होगा तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर भी सॉर्ट हो जाएगा, किस में, हाँ भाई किस में सॉर्ट हुआ, ये डिसेंडिंग में नहीं हुआ, गौर से इसको देखो, ये इसका रिजल्ट आया, ओरिजिनली एरे ये था और इसका रिजल्ट जो है वो ये आया, पहला वन है और दूसरा वन लैक आ गया, उसके बाद आ गया 21,
सबसे लास्ट में आ गया फोर. इस ऑर्डर का एक नाम होता है, किसी को पता है वो नाम? कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है? इस ऑर्डर का एक नाम होता है, जैसे होता है ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर का भी एक नाम होता है. पता है ये नाम किसी को? अच्छा, इसको हम कहते हैं लेक्सिकल ऑर्डर या इसको हम कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर, ये दोनों इसके नाम होते हैं. ठीक है, तो इसने इसको डिक्शनरी ऑर्डर में वो किया, जैसे ए बी सी डी को डिक्शनरी ऑर्डर में किया इसने, इसी तरह नंबर्स को भी इसने क्या किया? डिक्शनरी ऑर्डर में किया. ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होता है कि पहले आपके पास जो ए से वर्ड आ रहा होता है वो पहले आता है ना. सही है, मिसाल के तौर पे एक वर्ड है डॉग और एक वर्ड है कैट, तो कैट पहले होना चाहिए, डॉग पहले होना चाहिए? कैट पहले होना चाहिए. तो कैट डिक्शनरी ऑर्डर में पहले आता है, डॉग बाद में आता है. अच्छा, अब इसी तरह से एक वर्ड है कट, तो वो कैट से पहले होगा, वो कहाँ होगा? कैट के बाद होगा लेकिन डॉग से पहले होगा, तो एक वर्ड आ गया कट. सही है. अच्छा, फिर उसके बाद एक वर्ड होगा सी यू टी, कट हो गया, पी यू टी पुट अप करना है. अब पी यू टी कहाँ पर आएगा? वो डॉग के भी बाद आएगा. ठीक है. अच्छा, अब एक वर्ड मेरे पास ऐसा है जिसमें सी यू से और कौन सा वर्ड आता है? हाँ, अब क्यूट है. अच्छा, तो क्यूट कट से पहले आएगा कि कट के बाद आएगा? कट के बाद आएगा, क्योंकि उसमें कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं. ठीक है, तो क्यूट कट के बाद आएगा हमेशा. अच्छा, अब इसी को हम वो वन टू पे करके देखते हैं. अब मेरे पास एक वर्ड है वन, वन एक नंबर है मेरे पास. अगर इसको लेक्सिकल ऑर्डर में अगर ये सॉर्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में नहीं, न्यूमेरिकल में तो असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर वन आ गया एक. अच्छा, अब मुझे लिखना है टू, तो टू इसके नीचे आ जाएगा ऑब्वियसली वन के बाद. अच्छा, इसके बाद हमें लिखना है 200, तो 200 टू से पहले आएगा कि टू के बाद आएगा? टू के बाद आएगा, क्योंकि उसमें डिजिट ज़्यादा हैं. 200 ये लिख दिया मैंने. सही है. अच्छा, अब मुझे लिखना है फोर, फोर इसके नीचे आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेक्सिकल ऑर्डर में फोर बाद में आता है, 2000 पहले आता है. ठीक है, अब मुझे लिखना है इसके अंदर 11, वो कहाँ आएगा? वन के बाद आएगा. सही है, 11 वन के बाद आ गया. अच्छा, इसी तरीके से मुझे अब 11 के बाद कौन सा नंबर आता है? 11 के बाद मिसाल के तौर पर 21 एक नंबर आता है, तो 21 कहाँ पर आएगा? टू के बाद आएगा, क्योंकि टू से ज़्यादा डिजिट है इसमें. तो ये लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर इस तरह से सॉर्ट हो जाता है. ठीक है, लेक्सिकल ऑर्डर में सॉर्ट हुआ है. और अगर इसको मैं इसी को मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता तो क्या होता है? पहले वन होता, फिर उसके बाद टू होता, फिर उसके बाद फोर होता, फिर उसके बाद 11 होता, फिर उसके बाद 21 होता, और फिर उसके बाद ये 2000 होता. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट होता तो इस तरह होता. वेल, तो इसके अंदर दोनों तरह से सॉर्ट करने के जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होते हैं. तो हमने क्या देखा कि एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं. अब ये सारे मेथड ना आपने खुद से एक्सप्लोर करना है. ठीक है, ये सारे मेथड्स आपने खुद से एक्सप्लोर करना है. अच्छा, इसी तरह ये स्प्लाइस है. स्प्लाइस क्या करता है? दरमियान में किसी चीज़ को ऐड करना हो तो स्प्लाइस के ज़रिए आप ऐड करते हैं. अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास है शिफ्ट, शिफ्ट और अनशिफ्ट है. जैसे पॉप और पुश लास्ट में ऐड और रिमूव करता है, इसी तरह शिफ्ट और अनशिफ्ट शुरू में ऐड और रिमूव करता है. तो यहाँ पे मैं शिफ्ट पे जब क्लिक करता हूँ ना, तो शिफ्ट पे जब क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो ये लिख के बता रहा है, कह रहा है कि द शिफ्ट मेथड ऑफ एरे इंस्टेंस रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे. पॉप लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है, शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है. ठीक है, तो उसी का ही अपोजिट है, यानी जो लास्ट में ऑपरेशंस होते हैं ये शुरू में कर रहा होता है वो. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ सब, और नीचे एग्जांपल भी बना के भी बताई हुई कि भाई इस तरह से ये चलता है. ठीक है जी. नहीं, नॉर्मली भी यूज़ होता है. आई एम नॉट श्योर कि कहाँ यूज़. असल में देखो, प्रोग्रामिंग में वही चीज़ आपको मिलती है जो नॉर्मल लाइफ में जिसकी ज़रूरत पड़ती है. जिन चीज़ों की नॉर्मल लाइफ में ज़रूरत नहीं है उसका प्रोग्रामिंग में कोई काम नहीं है. ठीक है, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो सॉफ्टवेयर असल में बनते हैं ना जितने भी, उसका मेन मकसद ये होता है कि बंदों का काम ज़रा आसान किया जाए. ये जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं ना, ये काम पहले इंसान अपने हाथ से करता था, सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंप्यूटर को इन कामों पर लगाया गया है. तो ये असल में सॉफ्टवेयर के अंदर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वही चीज़ आपको मिलेगी जो रियल लाइफ में जिसकी ज़रूरत होती है. तो लेक्सिकल ऑर्डर, अभी मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं आ रही कि लेक्सिकल ऑर्डर कहाँ यूज़ होता है. डिक्शनरी ही एक एग्जांपल आ रही है फिलहाल, लेकिन कहीं ना कहीं और भी यूज़ होता है ये ऑब्वियसली. ठीक है, आप इसको गूगल कीजिएगा तो पता लग जाएगा आपको ऑब्वियसली. मिसाल के तौर पर जैसे कैमरा है ना, फ़ोटो,
हम जो कैमरे से मोबाइल में कैमरा खोलते हैं, टक करके फोटो खींचते हैं और वो हो जाती है। तो ये काम पहले ना इंसान अपने हाथ से करता था। कैसे करता था भला? अगर हम बहुत पीछे जाएं तो पेंट करता था हाथ से, ठीक है? और पेंट कैसे करता था? कलर्स कहाँ से आते थे? कोयले से तो काला रंग आ गया। और तंदूर से? ब्लूबेरी से ब्लू रंग आ गया, ठीक है? तो जो ये पिगमेंट्स है ना, ये पिगमेंट्स ये डिफरेंट पौधों से, डिफरेंट दरख्तों से, डिफरेंट, और जैसे वो ब्लू कलर वाज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू फाइंड है, जो ब्लू पिगमेंट है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट हुआ करता था उस टाइम पे जब हाथ से लोग पेंटिंग करते थे। और फिर उसको वो अंडे के साथ मिक्स करके ना ब्लू कलर को, और वो बड़ा अच्छा कोई बनाता था, वो बहुत बड़ा कोई पेंटर था, पता नहीं मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो वो अंडे का वाइट, एग वाइट निकाल के उसमें ब्लू पिगमेंट लगा के वो ब्लू कलर बनाता था, तो उसका ब्लू कलर बहुत फेमस था वो। मतलब वैसा, मतलब वो उस ज़माने की ये बात है कि कोई पेंटिंग होती थी ना उसमें ब्लू कलर होता था, तो वो ब्लू कलर ही इस बात की अलामत होता था कि ये बहुत बड़ा पेंटर है, समझ रहे हो? अभी तो ब्लू कलर और वाइट कलर और रेड कलर कोई औकात ही नहीं है। लोग ट्रकों के ट्रक पिगमेंट निकाले जा रहे हैं, माइन किए जा रहे हैं ज़मीनों से, दरख्तों से, और मशीनों के ज़रिए बिल्डिंगों पे उसको थोपा जा रहा है, रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, है ना? 10-10 मंजिले बिल्डिंग पे यूं उसको कलर को मार के पूरी बिल्डिंग को रंग देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, वो हाथ से पेंट करने वाला दौर थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो इन्होंने क्या किया कि वो एक ऐसा केमिकल तलाश कर लिया जिस पर वो रोशनी के ज़रिए मारते थे ना, वो अपना कलर चेंज कर लेता था, जो नेगेटिव, जो कैमरे वाला नेगेटिव होता था, तो उसके ज़रिए वो पिन होल कैमरा ईजाद हुआ जिसपे से लाइट आती थी, उस पर पड़ती थी, वो होता था। फिर उसको भी, उसमें भी हाथ वाला काम बहुत ज़्यादा था, तो उसको क्या करते थे फिर वो, कि उसको नेगेटिव को लगा के पता नहीं वो लाइट मारते थे, पता नहीं पोलराइज करते थे, क्या करते थे। उसके बाद उसको केमिकल्स में धो के, और वो डार्क रूम उसके लिए एक बनाया जाता था, उस रूम के अंदर लाइट नहीं होती थी, ठीक है? क्योंकि वो तो लाइट लगेगी तो वो नेगेटिव पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वो कैमरे से वो एक सेकंड के लिए वो लाइट हटती है और लाइट अंदर आती है तो उस पर वो तस्वीर छपती है। तो अब उसको तो निकाल ही नहीं सकते कैमरे से बाहर, कैमरे से बाहर तो नहीं निकाल सकते उसको। तो वो उसको लपेट के ना बंद करके शॉपर में, ब्लैक शॉपर में, फिर उसको लेके जाते थे रूम में, और रूम में ले जाके उसको खोलते थे, और खोल के वहाँ पे उसको ना अंधेरे में होता था सारा काम, अंधेरे में। और वो पिक्चरों को वो धो के ना केमिकल में, ऐसे वो अलगन्नी सी लगाई होती थी उस पर, क्लिप से लटकाई हुई होती थी सारी इमेजेस, और वो सूखती थी, वो सूखने के बाद फिर उसको रूम से बाहर लाया जाता था। और फिर वो आप सब लोगों के एल्बम्स में, अम्मी की शादी की फ़ोटो देखी होगी आप लोगों ने, फला पता नहीं नाना की शादी की फ़ोटो, वो जो आपने देखी है ना, वो इस मेहनत से बनी है, और वो फिर थोड़े दिन में फेड वेड भी हो जाती थी। अब हमारे पास उसकी एक जदीद शक्ल मौजूद है जिसमें जस्ट हम फ़ोन निकालते हैं, टक करके खींचते हैं, जेब में वापस डाल लेते हैं, है ना? तो हमेशा जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, आप इसके अगर डेप्थ में जाएंगे ना, तो वो इंसानों के करने के काम थे वो, और वो इंसानों की जगह, इंसान की जगह पे उसको सॉफ्टवेयर को खड़ा किया गया, ठीक है? इवन हमारे पास जो टीवी मौजूद है, ये पीछे आपकी ये जो एलसीडी लगी हुई है, या ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ये पहले जब शुरू शुरू में रेडियो आया था ना, रेडियो जब, रेडियो नहीं होता था तो उस वक्त स्टेज शो होते थे, स्टेज पे जाके ड्रामा लोग देखते थे बकायदा, जो थिएटर्स होते थे उसमें स्टेज पे रियल बंदे गेटअप करके और वो ड्रामा परफॉर्म करते थे। तो उसके बाद जब रेडियो आया ना, तो उन्होंने बोला कि ये ऐसा थिएटर है जो घर से ही सुन सकते हैं आप कान लगा के। फिर वो उसके बाद जब टीवी आया, तो एक्चुअली वो भी उसी थिएटर की एक जदीद किस्म थी, कि जी जो थिएटर आप जाकर देखते थे वो अब आपके घर पे लगा हुआ होगा, और आप जस्ट उसको ऑन करेंगे और सामने आपको वो दिख रहा होता है। और उस थिएटर की अब जदीद किस्म, आपके पास मोबाइल है ना? अब सारे बच्चे ड्रामा, जो सारी खवातीन ड्रामा मोबाइल पे देखती हैं, है ना? तो मतलब खवातीन के लिए ये बहुत बड़ी बात है, हमें तो पता नहीं, रियलाइजेशन नहीं है इतनी, लेकिन खवातीन के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि फ़ोन पे जो ड्रामा रात को 8 बजे आता है, वो अगले दिन भी देखा जा सकता है फ़ोन पे, वरना इनसे ड्रामा मिस हो जाता था। तो ये इनके लिए, मतलब ये जो इन्वेंशन है ना फ़ोन में, यूट्यूब में जो ड्रामे आते हैं, जो ये इन्वेंशन खवातीन के इतने काम किए, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो वो केबल वेबल अब ख़त्म हो गया, वो तार वार लगाओ, वो हिलाते रहो। और एक मैं, मेरे बचपन की अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो उस ज़माने में 8 बजे ड्रामा आता था प्राइम टाइम को, तो वो सारे घर वाले इकट्ठे होते थे, ना सिर्फ बल्कि मोहल्ले से भी अफराद आते थे,
और मोहल्ले से अफराद जो आते थे उनके लिए चाय भी बनती थी हमारे घर, वो क्या कहते हैं, और नानी भी बैठी होती थी हमारी, सारी खालाएं, और जो ना हम सारे बच्चे छोटे चींपा, और वो हमारे लिए वो भी तैयार होता था कि मतलब हमें पहले से ट्रेनिंग दी जाती थी कि अच्छा टीवी के आगे बैठने के एक मैनर्स होते हैं कि आपने शोर नहीं करना, आपने ये नहीं मतलब शोर शराबा वगैरह, समझ रहे हो ना। और क्योंकि वो बाहर से भी लोग आए होते हैं तो वो अगर आपको कोई चाय बिस्किट है तो उस पर आपने फ़ौरन मतलब हाथ नहीं मारना, तो एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग होती थी। तो और अगर हमने कुछ गड़बड़ की ना तो उसके बाद फिर वो जब सारे चले जाते थे ना 10 बजे तो फिर हमें हमारी खबर भी ली जाती थी उस पर। तो वो एक ज़माना था, मेरे बचपन का ज़माना था ये, अब वो ज़माना दूर दूर तक नहीं नज़र आता। तो अब तो भाई ये सीन है कि हर किसी के जेब में फ़ोन होता है तो वो जब जिसको टाइम मिलता है वो उस वक्त ही देखता है ड्रामा, वो 7 बजे 8 बजे इकट्ठे होने वाला सीन सारा ऑफ हो चुका है। ठीक है जी, लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमें बड़ा फ़ायदा भी हुआ है, इंसानों ने बड़ी तरक्की की है, इन्फॉर्मेशन की जो डिलीवरी है वो बड़ी आसान हो गई है। इस वक्त मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने MIT से पढ़ा है, लेकिन MIT गया तो नहीं हूँ मैं, यहीं बैठ के पढ़ा है। अब MIT वालों ने YouTube के ऊपर वो डाला हुआ है सारा अपना लेक्चर, वो हर स्प्रिंग में अपलोड कर देते हैं सारे लेक्चर, तो मैं वो सारे सब्जेक्ट वो एक एक करके मैंने पढ़ लिए उनके MIT से, तो दैट्स इट। तो वरना तो इससे पहले क्या होता था कि अगर किसी ने MIT में या हॉवर्ड में जाके पढ़ाई करनी है तो वो तो जाके एडमिशन लेना पड़ता था, और अभी भी पता नहीं 50-60 हज़ार तो वो फीस लेते हैं डॉलर, तो 50-60 हज़ार डॉलर एक तो जाने के पैसे अलग, वहाँ रहने खाने पीने के पैसे अलग, फिर उनको फीस अलग दो, तो ये तो बहुत एक्सपेंसिव था। अब वो फ्री हो गया, अब आप में से कोई भी चाहे अभी जाके MIT में एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकता है, एडमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे उनका चैनल है, सारे लेक्चर पढ़े हैं वहाँ पे, जाओ पढ़ो, है ना। तो बड़ी इन्फॉर्मेशन की डिलीवरी बड़ी आसान हो गई है, जो वी आर मोर देन कनेक्टेड, वी आर मोर कनेक्टेड देन एवर बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और हम इस वक्त यहाँ पे जो हम तैयार हो रहे हैं, वी आर सोल्जर्स, जो हम इस टेक्नोलॉजी को, ये टेक्नोलॉजी क्योंकि वेपन भी है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी इज़ वेपन। अब मेरा इस पर एक लेक्चर है 5th जनरेशन वॉरफेयर पे, कि टिकटॉक जो है हमें बिल्कुल बेज़रर सी चीज़ लगती है, लेकिन टिकटॉक इज़ एक्चुअली अ 5th जनरेशन वॉरफेयर वॉर मशीन, ये 5th जनरेशन की वॉर मशीन है ये टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब। जब तक ये USA के पास था तो USA कुछ बोलता नहीं था, ज़रा हल्का हाथ रखता था, अब जैसे ही ये चाइना के पास ये वेपन आया है तो एकदम शोर मचाता है USA भी, और सारे सहाफ़ी भी इस पर बात करते हैं, TV पे भी बात करते हैं, और दुनिया के हर मुल्क में टिकटॉक को किसी ना किसी वजह से बैन किया गया है, और इंडिया ने तो बकायदा नेशनल सिक्योरिटी बोल के बैन किया था कि भाई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो है भाई, अब वो क्यों है कैसे है वो आप एक्सप्लोर कीजिएगा। तो टेक्नोलॉजी जहाँ पे हमें फ़ायदे दे रहा है वहाँ पे हमारे लिए, वहाँ पे एक नया महाज भी खुल रहा है। पहले महाज होते थे सिर्फ ज़मीनी महाज, फिर हमने जब जहाज़ बना लिए तो फ़िज़ाई महाज भी हो गए, फ़िज़ाई हदूद भी तय हो गई कि अच्छे आपका जहाज़ इस तरफ नहीं आएगा। तो अब हमारे पास ये इंटरनेट पे भी एक महाज खुल रहा है, तो इंटरनेट पे भी बॉर्डर्स बनेंगे अब बहुत जल्द कि जी यहाँ तक आपने नहीं जाना और यहाँ तक आपने नहीं आना। ठीक है, स्पेस में भी महाज खुल चुका है ऑब्वियसली, हमारे पास जो 3 फौजें हैं USA की आर्मी के अंदर, चौथी भी एक फ़ौज इन्होंने ऐड की, तो स्पेस फ़ौज है, तो वो स्पेस से होने वाले अगर कोई हमले हैं या स्पेस में होने वाला कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो उसको देखती है। तो ये नए नए महाज भी खुलते जा रहे हैं हमारे साथ साथ। ठीक है, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म सैलानी में भी जो लॉन्ग टर्म गोल है हमारा, वो यही है कि हम ऐसे अफराद को तैयार करें जो कम उम्र भी हों और टेक्निकली कॉम्पिटेंट हों, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे मुल्क को ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है जो टेक्निकली कॉम्पिटेंट हों और थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद वो इस महाज पे खड़े हो सकें और प्रोटेक्शन दे सकें अपने मुल्क को। और ये लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म ये है कि फ़ौरन आपको कोई ऐसी स्किल सिखाई जाए कि आप पैसे कमाने लग जाएं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल जो है ना वो है। तो इसके लिए आपकी कोऑपरेशन चाहिए होगी, आपसे कोऑपरेशन ये चाहिए होगी कि ये जो मेथड सारे हैं ना, अब ये सारे अगर मैं कवर करूँगा तो आराम से 2-3 क्लासेस इसमें पूरी हो जाएंगी। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि ये एरे के जो मेथड्स हैं ना, ये देखें, ये मेथड्स लिखा हुआ है और ये सारी एक लंबी लिस्ट है। ठीक है, आपके पास अभी 1 हफ्ते का टाइम होगा, आज हमारी संडे लास्ट क्लास है हमारी, संडे, अब सैटरडे को मिलेंगे हम दोबारा नेक्स्ट वीक। ठीक है, सैटरडे और संडे हमारी इस वीक क्लास हुई है, फिर नेक्स्ट हम सैटरडे संडे दोबारा मिलेंगे। तो जब नेक्स्ट सैटरडे और संडे को जब हम मिलें तो ये थोड़ा थोड़ा ना आपने सब एक्सप्लोर किया वो अच्छा, और अगर इसको एक्सप्लोर करने के दौरान आपके जहन में कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो आप सैटरडे वाले दिन जब आप मिलेंगे तो आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से आप लोग क्या करें कि ये इतना काम जो मैंने अभी करवाया है, पहले तो इतने को अपने हाथ से करके देख लेना, इतने को अपने हाथ से पहले करके देख लें, क्योंकि देखें मैं तो जब कोड लिखता हूँ तो मेरे पास तो कोई एरर वेरर नहीं आता,
है ना, स्मूथ, सब कुछ स्मूथ लगता है। तो आप लोग अगर कहीं ये तो नहीं समझते कि यार हमारे पास भी स्मूथ चल जाएगा, क्योंकि नहीं चलेगा। जब यही कोड आप अपने हाथ से, अगर तो कॉपी पेस्ट करेंगे फिर तो ऑब्वियसली चली जाएगा, है ना, लेकिन अगर आप यही कोड अपने हाथ से लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई एरर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो वो एरर आना अच्छी बात है ना, एरर आना इसका मतलब है आपने कोई गड़बड़ की है। अच्छा, तो एरर जब भी आपके पास कोई आए तो आपने अच्छी तरह उस एरर के मैसेज को पढ़ना है कि वो उस एरर के मैसेज में उसने लिखा क्या है, ठीक है। अच्छा, एरर का मैसेज खुद बताता है कि आपने क्या गलती की है, बता रहा होता है, लिखा होता है इसमें पूरा। तो एरर के मैसेज को एक तो आपने अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है। और जाहिर है, अच्छा मेरे पास स्मूथ क्यों चल जाता है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़माना हो गया ये करते हुए सारा, तो ये मैं तो बगैर देखे उसको लिख भी लेता हूँ। अच्छा, आप क्या होगा, सम टाइम भूल भी जाएंगे कुछ, कह रहे यार वो पुश पुश की क्या कमांड थी, पुश भूल गया मैं, तो वो आप देख लेंगे फ़ौरन, ठीक है, यहाँ पे MDN पे जाके देख लेंगे आप। तो ये सारे मेथड आपने क्या करना है, थोड़े थोड़े एक्सप्लोर करने हैं ना सिर्फ, बल्कि ये वाला जो मैंने करवाया है इसको भी अपने हाथ से करना है। और बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि भाई सर ने लिखा है तो ये सही चला था तो मैं भी लिखूंगा तो ऐसे ही चल जाएगा, भाई नहीं चलेगा। जब आप लिखोगे तो बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे, और वो मसले मसाइल जब आएंगे उनसे जब आप जूझोगे, ठीक है, उस मसले को जब आप सॉल्व करोगे तो उस मसले को सॉल्व करने के दौरान आप बहुत कुछ सीखोगे आप, ठीक है। और ना सिर्फ आपने खुद करना है बल्कि ये दूसरों से भी करवाना है। दूसरों की जब आप हेल्प करते हैं, दूसरे के जब एरर रिजॉल्व करते हैं आप, तो उस एरर को रिजॉल्व करने के दौरान आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोई एरर आपके पास नहीं आया होता, लेकिन वो किसी दूसरे स्टूडेंट के पास आया होता है, तो इसका मतलब है कि वो कभी आपके पास भी आएगा। जो गलती उसने की है आज, वो आप भी कभी कर देंगे तो आपके पास भी आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरों की भी हेल्प करें और ख़ुद भी इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो ये कोऑपरेशन मुझे आप लोगों से चाहिए होगा, जब ही हम अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल को अचीव कर पाएंगे इस कोर्स में, ठीक है जी। चलें शुरू हो जाएं सब लोग।